लाइटर लग गई ना भाई, पूरा भरोसा है कि कंट्रोल कर लेंगे, इसीलिए इतनी सारी आग लगाई है। एक बार दिखा, एक बार घुमा के दिखा कितनी हो गई। ओके गाइस, तो देखो भाई ये बहुत ही रेयर चीज है, बवंडर बन रहा आग के अंदर और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चलने दे, ये देखो अब पता नहीं किसका क्या हुआ होगा, जस्ट अभी हुआ ही है दिखता। चल संभल के चलो। हेलो एवरीवन, तो भाई स्वागत है आज के नए व्लॉग में। और आज का दिन मुझे लग रहा बहुत ही खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से भी नाकाबंदी लग रही थी, पुलिस वालों ने बोला कि आगे एक्सीडेंट हो रखा है, रोड पे लाश पड़ी हुई है किसी की, तो गांव वाले गुस्से में हैं और गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने बोला नहीं, हम लोगों को समझा बुझा कर आ जाएंगे। तो पुलिस वाले थोड़े जानते थे हमें, तो उन्होंने ठीक है बोला कि हमें इमरजेंसी भी है, थोड़ा फार्म हाउस में हमें जल्दी पहुंचना है कुछ काम की वजह से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हैंडल कर लेना। मैंने बोला ओके हैंडल कर लेंगे, और वहां की सिचुएशन दिखाते हैं आपको क्या होती है क्या नहीं होती है, और किस तरह लोग गुस्साए हुए हैं और किस तरह एक्सीडेंट हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। बने रहे आज के एक नए ब्लॉग में। ओके गाइस, तो भाई वाकई में जो आगे खबर फैल रही थी वाकई में सच है। ये देखो पूरा ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम है, पता नहीं ऐसा क्या एक्सीडेंट हुआ होगा, पता नहीं किसको कितनी लगी होगी, भगवान सबकी रक्षा करे, और जो अगर ज्यादा घायल है तो उसको भगवान संभाले, देखते हैं। और पुलिस जाब्ता भी लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक है भाई। ये देखो पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कोई अंदाजा नहीं है हमें, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की अगर होता है तो, देखते जाओ। ओके गाइस, तो भाई ये देखो इसीलिए बोलते हैं धीरे चलो, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। ये हालत है भाई अभी मोड़ के ऊपर, इसलिए संभल के चला करो। चलने दे, ये देखो अब पता नहीं किसका क्या हुआ होगा, जस्ट अभी हुआ ही है दिखता। चल संभल के चलो भाई, उधर जाना अलाउड नहीं था, लोगों ने मना कर दिया कि भाई आगे रास्ता बंद है, गाड़ियां सभी रोकी हुई है, तो हम फिलहाल दूसरे रास्ते से होके जा रहे हैं फार्म हाउस। तो चलते हैं, देखो हम किस रास्ते से जा रहे हैं। ये देखो भाई कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है, ये देखो आगे गाड़ियां, देखो भाई पता नहीं कहाँ निकल गए, अभी तो रोड पे जाने के बाद ही पता चलेगा। ओहो यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, देखो आगे, ये देखो भाई अब इधर से होके हम इधर जाएंगे। और ये ट्रैफिक देखो एक बार, ये ट्रैफिक है भाई, देखो देखते जाओ कितना लंबा चौड़ा ट्रैफिक लगा है, इतना लंबा चौड़ा ट्रैफिक खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा भाई। ओके गाइस, तो ये जो है पूरी हमने पहले स्टार्टिंग में 15 दिन पहले ये प्रॉपर्टी लिया था, और उसके बाद 6 बीघा ये प्रॉपर्टी ली है। और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जस्ट इसके बाद जो पीछे वाला खेत है उसका मालिक भी आ रहा है, उन्होंने भी कुछ सेल करने का प्रोग्राम बनाया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है और आपको दिखाता है, अगर वो डील ओवर हो जाती है तो 3 से 4 बीघा वो ओवर एड हो जाएगी, तो टोटल ओवरऑल यहाँ पूरा 20 बीघा सिर्फ वन साइड में हो जाएगा। तो मज़ा आने वाला है, बिजनेस करना तो बड़े लेवल से करना तभी मजा आता है। ओके, बाकी काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन उसको करने का तरीका जो होता है वो बड़ा होता है। इस पर और फार्म हाउस के सामने जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, वो समथिंग उसी पे उसी की क्लीनिंग चल रही है, तो समथिंग होने में है क्लीनिंग। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम और भी लगने वाला है थोड़ा सा, तो उससे पहले की स्थिति मेन जो है मैं आपको बता दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं खड़ा हूँ अपने जो हमने जमीन खरीदी है उसके बीचों बीच, ठीक है। तो ये रहा देखो, 2 जेसीबी ये काम कर रही है और 1 जेसीबी वो काम कर रही है, ये देखो तीनों के तीनों काम कर रही है। ओके गाइस, तो भाई इस चारे की वजह से थोड़ी सफाई नहीं हो रही है, हम इसमें आग लगा रहे हैं, बस कोई हादसा नहीं हो जाए। आग
भाई बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आग क्यों लगा रहे हैं, लेकिन आग इसीलिए लगा रहे हैं ताकि ये जल के खाक हो जाए और यहाँ अच्छे से सफाई हो जाए, बाकी और कुछ नहीं है। और ये जरूरी है थोड़ा, इसीलिए हम आग लगा रहे हैं। तो लग गई ना भाई, पूरा भरोसा है कि कंट्रोल कर लेंगे, इसीलिए इतनी सारी आग लगाई है। एक बार दिखा, एक बार घुमा के दिखा कितनी हो गई। ओके गाइस, तो देखो भाई ये बहुत ही रेयर चीज है, बवंडर बन रहा आग के अंदर और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चलो भाई गायब हो गया, वीडियो बनाते गायब हो गया, क्या बात है। अगर इस तरह बवंडर जो बन जाए ना तो भाई फिर तो फिर बहुत खतरा हो जाता है, लेकिन हम पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि हमारे पास तीनों मशीन्स हैं तो वो सेफ्टी के लिए है पूरा। और ये सामने देख रहे हो दीवार, ये अपना फार्म हाउस है, किसी और का नहीं है। तू क्या कर रहा भाई? चालू करो, स्टेप बाय स्टेप आ जाओ, पहले ये आ गया जाएगा, ठीक है, थोड़ा डीजल है, पहले ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये। गाइस, तो भाई शाम हो चुकी है और आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं काम का मैनेजमेंट, काम को सही तरीके से करवाना, ठीक है। और मैं चाहता तो किसी को रख भी सकता था मेरे नीचे कि वो काम का मैनेजमेंट कर सके, काम करवा सके, लेकिन किसी को रखने में और खुद करने में बहुत फर्क होता है। यही होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस में बहुत आगे चले जाते हैं। तो अपने बिजनेस को खुद संभालना बहुत जरूरी होता है, तो यही काम आपका भाई कर रहा है। और ये आइडिया, मतलब ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखें, जब तक आप खुद नहीं बैठोगे, जब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता, तो फोकस करें अपने काम पर, खुद मतलब सारा भरोसा दूसरों पर ना करें और खुद मेहनत करें, ठीक है। लव यू ऑल, बाय। एयर मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग।